ये है होशंगाबाद जिले में बसा एक छोटा सा गांव भिलाड़िया कला, जिसका आर्थिक विकास कुछ खास विकास पर नहीं है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जो मेहनत मजदूरी करके चंद पैसे जोड़ता है, यदि उसे टीबी जैसी बीमारी हो जाए तो वह क्या करेगा? उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं? आइए देखते हैं रघु की कहानी, जिसे अभी ये नहीं पता है कि उसे टीबी हो चुका है। दुकानदार रघु से पूछता है, क्यों रघु भाई, सब ठीक तो है? अरे मत पूछ यार। तुम्हें इतना दिन से कह रही मैं कि डॉक्टर पास चल जाओ चल जाओ, इतनी खांसी चल रही। अरे मैं का हुआ, जरा सी खांसी तो चल रही है। अभी 1500 रुपये लग जाए डॉक्टर का पास। हाँ जरा सी खांसी, हफ्ता भर से खांस रहे है तुम। तो वहां तो बेटा खूब पसीने चल रहा है रे, दानदार पास चले जाइए। अरे भाई कहीं नहीं हो रे, तो दिखा भैया जासो का। रघु अपने बच्चे की ओर देखते हुए सोचता है कि मुझे इतना लापरवाह भी नहीं होना चाहिए। वो अगले ही दिन डॉक्टर के पास जाता है। नमस्कार। नमस्कार बलगम भी आता है। और क्या तकलीफ है? डॉक्टर दिन भर थका थका सा लगता है और शाम को बुखार भी आता है। रात को सोते समय पसीना भी आता है? जी जी डॉक्टर साहब। इस मशीन पर खड़े जाइए। बैठिए। आखिरी बार वजन कब कराया था? 1 महीने का लगता है। कितना आया था? 57 किलो है। खाना बराबर नहीं खाते? क्या करो डॉक्टर साहब, आजकल भूख ही नहीं लगती। ये कुछ जांच लिख रहे हैं, आप फराक करेंगे। नमस्कार। बैठिए। दरअसल आपको टीबी हुआ है। अरे डॉक्टर साहब, मुझे टीबी कैसे हो सकता है? अरे घबराओ मत रघु, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। ये कुछ दवा लिख रहा हूँ। अरे डॉक्टर साहब, मैं मेहनत मजदूर वाला आदमी, दवाई वाली के पैसे कहाँ से लाऊं? अरे पैसों की चिंता तुम मत करो रघु, टीबी के पूरे इलाज का खर्चा तो सरकार उठाती है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब मैंने तो सुना है टीबी में बहुत गोली दवा लेनी पड़ती है। उसकी फिक्र मत करो, अब वो जमाना गया जब टीबी के लिए 5-6 गोलियां लेना पड़ती थी, अब तो तुम्हें रोज सिर्फ एक यही गोली लेनी है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा? बिल्कुल ठीक हो जाओगे रघु, बस दवाई समय से लेते रहना और साथ में खाने का भी ध्यान रखना। डॉक्टर साहब थकान के कारण पहले काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, खाने के लिए कहाँ से लाऊंगा? अरे उसके लिए तो सरकार सीधा तुम्हारे खाते में 500 रुपये प्रतिमा डालेगी ही। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे बार बार तो यहाँ नहीं आना पड़ेगा? अगर कुछ तकलीफ होती है तो यहाँ आना, वरना तो तुम्हारे गाँव की आशा कार्यकर्ता तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। रघु के मन में कई सवाल उठ रहे थे। लोग अब मुझे किस नजर से देखेंगे, क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या अब मुझे अपने परिवार से भी दूर रहना होगा? लेकिन इन सभी मुश्किलों और सवालों के बावजूद रघु ने टीबी से हार नहीं मानी। उसने पौष्टिक आहार के साथ अपनी दवाइयाँ सही ढंग से सही वक्त पर ली। यही नहीं,
उसने अपने परिवार में भी टीबी को फैलने से रोका और इस सब में गांव की आशा कार्यकर्ताओं ने रघु की सहायता की। आशा की मदद पाने के लिए टीबी मरीज को डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस सेंटर यानी जिला क्षय रोग केंद्र पर रजिस्टर करना होता है, जिसके बाद उन्हें समय समय पर सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। टीबी का इलाज कम से कम 6 महीने तक चलता है, जिसमें सही उपचार सही समय पर दवाएं लेने से 2 महीने के अंदर ही टीबी के लक्षण जाना शुरू हो जाते हैं। तो रघु की कहानी ने हमें क्या बताया कि हमें टीबी से घबराना नहीं है, हमें जितना हो सके लोगों को टीबी के बारे में सूचित करना है, टीबी के मरीजों को उचित उपचार दिलाना है। WHO के मुताबिक भारत में टीबी के सबसे ज़्यादा मरीज 2018 में भारत में टीबी के 21 लाख से भी ज़्यादा मामले दर्ज हुए थे। उसके बाद 2019 में टीबी के 19% मरीजों की मौत हुई थी और 48% लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए थे। क्षय रोग को फैलने से रोकने के लिए मरीज को जब तक कहा ना जाए लोगों से दूर रहे, खांसते वक्त मुंह को कपड़े से ढके, अगर संभव हो तो मरीज खुली हवा में बैठे, टीबी मरीज के साथ एक कमरे में ना सोएं। और याद रखें, हमें टीबी से डर के भागना नहीं है, उसे हराना है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।